है तुम्हारी कॉर्नफ्लेक्स और ये रहा तुम्हारा दूध। मैं डालूं? इसे पूरा खत्म करना। ओके ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कि बॉबी को क्या पसंद है और क्या नहीं? ये यूं ही उसे कुछ भी दे रही हो? दीदी मैं तो, और तुमने उसे क्या कहा कि कल से तुम उसे मैथ्स पढ़ाओगी? सुमन मैं खुद उसे मैथ्स पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। तुम क्या मुझसे ज्यादा होशियार हो गई? एंड यू नो व्हाट, आई हैव डन माय एमबीए। ओके सॉरी दीदी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मुझे ये भी पता नहीं था कि बॉबी को आप पढ़ाती हैं। मैंने सोचा मेरे हाथ में इतना खाली वक्त है तो क्यों ना बॉबी को पढ़ा दिया जाए। तो सुमन तुम तुम्हारे टाइम पास के लिए ना कोई दूसरा काम ढूंढ लेना। बॉबी के खाने की और उसके पढ़ाई की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? चलो बॉबी, चलो यहाँ से। मोहन तो आप हैं यहाँ? द ग्रेट पर्सनालिटी। नेचुरली जब आप यहाँ किचन में होंगी तो सबको तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। प्रांजल, सबको बाहर निकालना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन मुश्किल काम है सबको साथ लेकर चलना। और ये बात कभी तुम्हारे समझ में ना आई थी और ना आएगी। ओहो, कभी कभी चार दीवारी से भी कैसी मोहब्बत है जाए मां के बिहारी लाल की कृपा से। क्या हो गया आपको? खजना हो, अपने मकान को देख रहा हूँ, कोई गुनाह कर रहा हूँ का? देख प्रमिला कितना अच्छा मकान हो, कैसो शुभ मकान हो, सुख शांति से रहते या मैं। पर क्या करें साहब, या को भी छोड़ना पड़ेगा। जिस उसने 11-11 महीने के किराए के मकानन की टेंशन, बहुत बुरी बात है भाई। हाँ लेकिन जब तक अपना मकान नहीं ले लेते ये सब तो होना ही है। जब अपना मकान नहीं ले लेते, ऐसे बोल रही है जैसे अपना मकान तो ससुर सड़क पे पड़ा है, जाकर के उठा लाओ। तू एक काम क्यों ना करे, अपने मैके वाले इनसे बोल तो एक मकान दिलवा दे। वैसे भी ससुर ने दहेज में मुझको कछु ना आए दियो यार। अच्छा है? मैं मिली वो कुछ कम है क्या? नहीं ना, बहुत आप मिल गई। ओहो कितना बड़ा काम है को है। कैसी सुंदर सुशील कन्या मनोहर लाल के हाथ में पकड़ा दिए। बाकी बिहारी लाल ने आपको मेरे ही वास्ते तो गड़ो है फुर्सत में। अच्छा अब ये क्या कर रहे हो, दीवारें ही देखते रहोगे या मकान का इंतजाम भी करोगे? वो मकान मालिक 10 दिन की नोटिस लेकर आया है। तो आप चिंता मत करो महाराज, मैं संभाल लूंगा। मनोहर लाल के लिए 10 दिन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे नसीब में 10,000 टेंशन लिखी है सोसे। दो दिन बिना टेंशन के मिल जाए तो मैं 10 मकानों को इंतजाम कर दूं। हाँ बस बस अब बातें मत करो, या एक मकान का इंतजाम नहीं होता तुमसे, 10 मकानों की बातें कर रहे। और टेंशन किस बात का जी, जरा मुझे भी तो बताओ। अब क्या बताऊं तो कू है, मनोहर लाल के नसीब में सुसरी औरतन की टेंशन लिखी हुई है, कभी बीवी की तो कभी बहन की, कभी बहन की तो कभी बीवी की। ए यार अब आपको देखो, उर्मिला सवेरे से 20 बार फोन कर चुकी है, बस एक ही माला को जाप कर रही है, भैया चले आओ, अरे भैया चले आओ। अरे यार क्या हो गया अब तुम्हारी जीजी को? जीजी को कछु ना हुआ, जीजा जी सटक गए बुढ़ापे में। सटक गए मतलब? अरे मतलब ये देख तू मको बता, कोई अपने बच्चान के सामने अपनी जनानी पे हाथ उठाएगा है? मैं ना उठाऊंगा, कितनी भी इच्छा हुई लेकिन हाथ रोक लियो ना। नहीं बोल बोल बोल, बोल हाँ बोल। हाँ बाबा रोक लियो। हाँ। लेकिन जीजा जी ने जीजी को सचमुच थप्पड़ मार दिया? अरे मार देते, लेकिन वो तो प्रकाश कुमार आ गया बीच में। ये तो बहुत अच्छा किया प्रकाश ने। चुप, बहुत अच्छा किया। अरे क्या बात है, मैं बहुत देख रहा हूँ तो खू, मेरे अलावा सारे रिश्तेदार तो खू अच्छे लगे, बात का है? अरे चुप बस, मेरो दिमाग फालतू की बातन में मत अटकाए, बाकी उर्मिला के यहाँ जाना है। चल तैयार हो जा, आजा जल्दी से। चलो आजा। और क्या, मैंने तो सुमन से साफ साफ कह दिया कि अपने काम से काम रखे, हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ना मुझसे और ना ही बॉबी से। ये आपने बिल्कुल ठीक किया दीदी। अरे मैंने तो जैसे ही ये बात को सुना ना, मैं तो भाग भाग के आपके पास चली आई आपको ये सब बताने के लिए। वैसे दीदी आपने एकदम सही डिसीजन लिया है सुमन को डांट कर, अब वो मेरी बहन है तो क्या हुआ, बहन होने का फायदा उठाएगी तो दिस इज वेरी रॉन्ग ना। और फिर जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है,
छोड़ो ना प्रांजल, आज मैंने सुमन को ऐसा डोज दिया है ना कि आइंदा से मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोल पाएगी वो। हाँ लेकिन दीदी इसी बात का तो डर है, आपके सामने कुछ ना बोल पाए लेकिन कहीं आपके पीछे से वार ना कर दे। दीदी सुमन को आप कमजोर और भोली भाली मत समझिएगा, वो बहुत ही चालाक है चालाक। अगर उसका बस चले ना तो वो इस घर में अकेली राज करे और हम दोनों को एक मिनट में निकलवा दे, एक मिनट में। मैं तो सावधान रहूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा दीदी। तुम बेफिक्र रहो प्रांजल, तुमने मुझे इशारा कर दिया है ना, और समझदार को इशारा काफी होता है। मनोहरलाल जी आप? जी हाँ हम हैं, और आपको ये बताने के वास्ते आए कि हमारी बहन आपके घर में कोई शरणार्थी ना है। अरे हद रह गई सुसरी शैतानियत की, आपने मेरी बहन पे हाथ उठायो, क्या सोच के हाथ उठायो आपने साहब, हैं कमाल है भैया। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तो इस घर में मेरी जिंदगी तक का भरोसा नहीं है। ये कैसे भरोसा ना है, अभी तेरो भैया जिंदा खड़ो इनकी छाती पे। कमाल है ससुर। मनोहरलाल जी मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात सुने आपकी, बात होए तो बात सुनी जाए। अब तो आता भाई है रही है सुसरी बंगले में, हैं? उर्मिला, तू चल अपना भैया के घर चल, हाँ, बस मुकुना छोड़ लो। अजी क्या कह रहे हो, मकान तो खाली करने जीजी को रखोगे का? चुप, अकल की भैंस। अरे मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। उर्मिला तू चल अपने भैया के साथ, बस। उर्मिला मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मुझे तुम्हारा, और वैसे भी तुम दोनों बाप बेटे मुझे मार के रख दोगे यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं पूछूं जीजा जी, आप तो बड़े धर्मात्मा दिखे, अब ये क्या कर रहे हो? अरे इतने बरस काट दिए, बुढ़ापे में ये तमाशो करोगे? राखे राखे सुन के भी कैसो बुरो लग रहा है। उर्मिला तू चल अपने भैया के साथ चल। देख मैं कह रहा हूँ, तेरा भैया करोड़पति ना है तो का हुआ, तेरे भैया के पास तेरी दो जून की रोटी को सामान है, छोड़ दे जे बंगले को लालच। अरे जब अपनी ससुर लायक ना तो बंगले को लेके का चाटना है? और भैया इनकी हिम्मत तो देखो, उसी बंगले में मुझे मार रहे हैं जो कि आधा मेरे नाम पे है। मैं पूछती हूँ मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं क्यों जाऊँ अपना बंगला छोड़ के? उर्मिला तो तू ना जाएगी तो मैं तो को अकेली छोड़ के कैसे जाऊंगा? तू चल, तेरे को चलना पड़ेगा बस। मैं अभी इसी वक्त इस बंगले का बंटवारा करवाती हूँ, आधा बंगला तुम्हारा आधा मेरा, और भैया मेरे साथ ही रहेंगे। उर्मिला ये क्या बात का पतंगड़ बना रही हो, बंटवारे की सीमा तो कुछ उल्टा भी है या नहीं? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, समझे तुम? आधा बंगला मेरा और आधा तुम्हारा, और ये भी सुन लो भैया हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे। दादी दादी उर्मिला का जो सोच विचार के बात की होकर है, एक भाई अपनी बहन के दरवाजे पे कैसे पड़ा रहोगे? ना 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 ना, दुनिया क्या कहेगी? और दुनिया क्या कहेगी जब मैं इसी बंगले में मर जाऊंगी तब? बोलो तुम मुझे बताओ, तुम मेरे साथ यहाँ पे रहोगे या नहीं? मेरी बात को बुरो मत मानियो, काहे के भाई को दिल है ना। वैसे मेरो मन गवारा ना करे यहाँ पड़े रहे बहु, पर का है उर्मिला की जिद है तो यही पड़ो रहूंगा, आपको कुछ ऐतराज तो ना है? हाँ भाई बहन को जो करना है करो। लो साहब जे इधर गई और जे इधर गई। चल भाई मनोहर लाल तू तो जम जा यहीं पे।
प्रमिला रानी सवेरे से माला फेर रही मकान को का होएगो मकान को का होएगो ले देखो कैसो पुख्ता इंतजाम कर दियो वहां के बिहारी लाल ने मकान को। वैसे एक बात है, जीजा जी ने मकान बड़ी तबीयत से बनाया ससुर। चल भाई मनोहर लाल अब आराम कर ले ये बंगले में, तू भी बोल बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कार। नमस्ते। बैठिए बैठिए। तो शुरू करें? हाँ तो भैया पहले बकुल के कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर ले। हाँ हाँ क्यों नहीं। बकुल के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो इस साल के अंत तक खत्म हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कंटिन्यू करना है या नहीं। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली बकुल का सारा काम प्रकाश देखते थे, अब प्रकाश बकुल के साथ नहीं काम कर रहे हैं। ही इज नो मोर विद मिस्टर बकुल। मिस्टर बकुल आप क्या कहते हैं, प्रकाश के बगैर आप अपना कमिटमेंट वक्त पर पूरा कर सकेंगे? सर आप तो मेरे पिता समान हैं। ये बात सच है, प्रकाश की वजह से मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब प्रकाश मेरे साथ नहीं है, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। आप अगर बुरा ना माने तो क्या हम पूछ सकते हैं कि प्रकाश अब आपके साथ क्यों नहीं है? आप ना ही पूछे तो अच्छा है। मैं जानता हूँ प्रकाश आपका रिश्तेदार है, उसने मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन मैं नहीं चाहता आप लोगों के रिलेशंस खराब हो। देखो बकुल, बिजनेस अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह है। राम जो पूछ रहा है जवाब दो उसका, क्या प्रकाश ने काम में कुछ कोताही की है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ऑफिस में जो उसने मेरे लिए किया उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, he was very fine. लेकिन घर में उसने जो मेरे साथ किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता। सर मैं आपके और अपने काम में बहुत बिजी था, मेरी एब्सेंस में उसने मेरे घर आना जाना शुरू किया। मैं कैसे बताऊं सर, और सर उसने मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध बना लिए। ये तुम क्या कह रहे हो बकुल? सही कह रहा हूं सर, इतनी घटिया बात, वो भी अपनी बीवी के लिए। लेकिन सर मैं झूठ नहीं कह रहा, सर मेरी बीवी ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी बीवी, लेकिन प्रकाश ने उसे बहका दिया है। मैं क्या करूं सर, मैं बेवकूफ की तरह दोनों को प्यार करता रहा। बकुल आपको पूरा यकीन है, कोई गलत फहमी तो नहीं है ना? आप यकीन की बात कर रहे हैं सर? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे बताऊं आप लोगों को, प्रिया के पेट में जो बच्चा है ना वो भी प्रकाश का ही है। जिसकी दुनिया ही लुट गई है वो आप लोगों से कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात करेगा। ये तो सुरेंद्र बाबू ने मुझे यहां बुलाया इसलिए आया, आप जो सही समझे आप करें, मैं चलता हूं सर। I'm sorry for creating the scene. Please excuse me. काका अभी तक नहीं है? मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं काका आते ही होंगे। लाइए मैडम, मैं कर देता हूँ। एक्चुअली पहले उन्हें डॉक्टर के पास जाना था, उसके बाद अकाउंट्स। बेटी ये रहा हॉस्पिटल का बिल। लाइए काका। आप रहने दीजिए प्रकाश। लेकिन मैडम बिल तो काफी ज्यादा है, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाएंगे? ये दीजिए काका। इतने सारे पैसे?
कुछ तो बर्बाद हो ही चुका है प्रकाश जी, मेरा परिवार, अकल भी, लेकिन थोड़ी सी अकल बाकी थी, एक छोटी सी एफडी रह गई थी, कुछ दिन तो उसी के सहारे गुजर जाएंगे। आपने मेरी इतनी मदद की है प्रकाश जी, समझ में नहीं आता कि मैं आपसे क्या कहूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके सामने आपकी जिंदगी है, आने वाली जिंदगी के बारे में आपको सोचना है। फिलहाल तो बस इतना इंतजाम है कि एक छोटा मोटा घर ले सकूं, आगे भी आगे देखी जाएगी। बैग मैं उठा लेता हूँ। ये आपका पर्स? चलिए चलिए। बकुल, तुम एक्टर भी हो, ये मुझे पता नहीं था। एक्टर? अरे दुर्गा प्रसाद जी की ऑफिस में मेरी एक्टिंग देखनी थी, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट भूल गए और मेरी बदनसीबी पर रोने लगे। बदनसीबी? हाँ बदनसीबी। अरे प्रकाश मेरी बीवी को उठा ले गया है और वो बेचारी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बदनसीबी। क्या कहा सर ने? कहते क्या, कहने को बचा ही क्या था। 5 मिनट में सारे के सारे मान गए कि मैं बहुत ही सीधा साधा आदमी हूँ और सारा कसूर प्रकाश और प्रिया का है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात? अरे कॉन्ट्रैक्ट की बात भी कर लूंगा। आज तो मैं सोमानी परिवार में प्रकाश को विलन बनाने गया था और वो मैं बना चुका। अच्छा अच्छा, अब ये विलन वाली बातें छोड़ो और मेरे पहले वाले हीरो बन जाओ। पहले वाला हीरो? Why not? My John, my darling, my love. I love you. I love you very much. ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो प्रकाश के बॉस ने हम सबको रो रो कर बताया। प्रकाश ने इतनी घिनौनी हरकत की, वो भी उस इंसान के साथ जिसने उसे नौकरी दी। देखो ना, कोई कह सकता था कि प्रकाश ऐसा निकलेगा? मुझे तो अब शर्म आने लगी है। एक बात बताओ, भाई साहब ने क्या सोचकर नारायण जी के परिवार पर भरोसा किया? अरे लानत है ऐसे परिवार पर। पहले प्रांजल, फिर सुमन और अब प्रकाश। अभी तो पता नहीं और कितनी कहानियां बाकी हैं। अब ये कहानी है सच मुझे नहीं मालूम। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया और ना ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं जाकर के इन सब बातों की छानबीन कर सकूं। That's all। लेकिन तुमने राहुल बेटे, मुझे तुमसे एक काम था। क्या बात है? तुम दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। परेशानी हमारी नहीं है मम्मी जी, वो सुमन के भाई प्रकाश के बारे में। सुषमा, तुम क्यों माँ को टेंशन दे रही हो? हम आप क्या काम बता रही थी? राहुल, वो सब बाद में। सुषमा बता, बात क्या है? अपने प्रकाश की हरकतें सुनी? प्रकाश के अपने बॉस के वाइफ के साथ नाजायज ताल्लुकात है और इतना कम नहीं था, अब तो वो प्रकाश के बच्चे की मां बनने वाली है।